हेलो दोस्तों मिडिल एज जैसे ही हमारी आती है हमें बहुत सी हेल्थ वरीज शुरू हो जाती हैं बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम बड़ा फील करने लग जाते हैं और एक जो वरी जो है वो हमारी होती है कि कहीं हमारी यादाश्त तो नहीं जा रही यानी कि मेमोरी लॉस की हमें जो है फिक्र होती है छोटे छोटे ऐसे किस्से होते हैं छोटे छोटे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं हमारी मेमरी को जो हम जो जिसकी वजह से हम पैनिक में आ जाते हैं हम ये सोचते हैं कि शायद जो है एम आई लूजिंग इट यू नो दिस इज़ वट वी आस्क यू नो फ्राम आर सेल्स と。 जैसे कि अब मैं आपको थोड़ी सी मिसालें ये दूंगी कि जिसमें आपको ये अंदाज़ा होगा कि ये जो है ये एक नॉर्मल फोगेटफुलनेस है अब ये मिसालें मैं आपको देती हूँ कि जैसे अगर आप जो है वो अपनी ग्लासेस हैं यानी रीडिंग ग्लासेस हैं या सन ग्लासेज हैं वो कहीं रख के भूल गए और आप ढूंढते फिर रहे हैं या चाबियाँ हैं घर की चाबियाँ हैं या जो गाड़ी की चाबी है वो आपने कहीं रखी और आप सर माथा पीट रहे हैं कि भाई कहाँ मैंने रख दी है ना या किसी कमरे में आप गए हैं तो और आप जाके वहां भूल जाते हैं कि वाई कम है क्या चीज़ में लेने आया था क्या चीज़ में करने आया था तो ये चीज़ हो जाती है या आप शॉपिंग मॉल में गए हैं एंड वन यू कम आउट ऑफ द शॉपिंग मॉल आप देख रहे हैं कि आपने अपनी गाड़ी पार्क कहाँ की है यू नो सो ऑल ये सारी मिसालें हैं फिर और ये मिसालें जैसे कि मूवी आप वॉच कर रहे हैं एंड यू फू द नेम ऑफ द मेन एक्टर जो कि आपका फेवरेट भी होता था तो या ये कि कोई सेलिब्रिटीज़ हैं कोई टी वी पर जो आप अक्सर देखते रहें और आपको जो है वो कोई ऐसा प्रोग्राम है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है और फिर भी जो है उसका नाम नहीं आ रहा विच वॉज यू नो दो नाम जो कि दे वर ऑन द टिप ऑफ योर टंग वन ए टाइम तो आपको बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है हम सबको होती है ये है ना तो ये सारी डिफ़िकल्टीज जो हैं ये हमारी मेमोरी में आती हैं एज वी ग्रो ओल्डर और मुझे याद आ रहा है कि जैसे कि देर वॉज ए टाइम जब हमारा ब्रेकफास्ट uh, प्रोग्राम होता था टीवी पर तो हमें कई दफ़ा पाँच छः लोग जो होते थे उनके नाम हमें एक दफ़ा बताए जाते थे कि ये लोग आपके प्रोग्राम में हैं और आपको ये इनका नाम ये है इनका नाम ये है इनका नाम एंड वी यूस टू रिमेंबर दैट यू नो आई यूस टू रिमेंबर दैट लेकिन अगर अब मुझे इफ़ यू जस्ट मेक मी सिट इन सिक्स स्ट्रेंज पीपल यू नो न्यू पीपल और उनके नाम आप कहें कि मुझे बिल्कुल सही सही याद रहे इन वन गो वो मुझसे नहीं होगा तो ये छोटी छोटी मैंने एग्जाम्पल आपको दी हैं ये दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ जस्ट अ अल फॉरगेटफुलनेस ये माइल्ड डिक्लाइन है आपका जो कि हमारी एज के साथ साथ आता है हमारे साथ बट इट्स नॉट डिमेंशिया आई टेल यू इट्स नॉट डिमेंशिया इस समथिंग डट विल लीड टू डिमेंशिया ये भी मैं नहीं कह सकती क्योंकि बहुत से फैक्टर्स हैं जो आपके डिमेंशिया को डिमेंशिया एवेंचुअली आपको हो सकता है लेकिन फिलहाल जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं उसमें आप बिल्कुल रहें सही क्योंकि ये गर्ल है ये भूलना है ये डिमेंशिया की बीमारी नहीं है तो एक सीज़न न्यूरोलॉजिस्ट हैं तो वो उन्होंने भी रीशोर किया कि भाई थ्रू uh, लाइफ एक जो चीज़ जो है वो uh, हमारी होती है स्ट्रेस जो स्ट्रेस एक फैक्टर है जो कि छोटी मोटे स्ट्रेस जो होते हैं वो हमारे साथ रहेंगे हमेशा जब से हम जिंदा हुए हैं ना तो वो जो है उसमें जब आप हम, हम जब हम उम्र के होने वाले होने लगते हैं तो फिर हमारे जो नॉर्मल ब्रेन फंक्शन है वो भी स्लो uh, डाउन हो जाता है और इसका ये मतलब नहीं है कि हम पैनिकी हो जाएं और वो कहता है कि अगर हम पैनिकी होते हैं एंड वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट गेटिंग ओल्ड एंड लूजिंग इट दैन ट्राई टू डिक्रीज स्ट्रेस क्योंकि ये स्ट्रेस जो है कि भाई हाँ मेरा ख़्याल है मुझे कहीं अल्जाइमर डिजीज़ तो नहीं हो रही डिमेंशिया तो नहीं हो रहा ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस है तो इसको आप जो है वो बिल्कुल भी आ, अपने लिए स्ट्रेसफुल ना बनाएं क्योंकि इससे जो है वो आपकी जो है वो ज़्यादा तेज़ी से आपकी जो है मैंटल या कॉग्नेटिव फंक्शन जो है वो इफ़ेक्ट हो सकता है तो स्ट्रेस एज ए होल आप ये देखिए कि जब आप उम्र के हो रहे हैं तो थोड़ा सा स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करें जो लाइफ में अगर है भी तो उसके लिए जो है आ, आ, आप थोड़ा सा दिन में ब्रेक ले लें और थोड़ा कोई योगा कर लें मेडिटेशन कर लें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा सा जो है वो कम कर लें ताकि आपकी स्ट्रेस लेवल जो है वो थोड़ा कम हो जाए क्योंकि जो जो हम बड़े हो रहे होते हैं हमारा स्ट्रेस लेवल भी बड़ी तेज़ी से बढ़ने लग जाता है छोटी सी जो एक फ़िक्र होती है वो काफ़ी बड़ी लगने लग जाती है तो ये आपको जो है कंट्रोल करना ज़रूरी है और न्यूरोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं कि भाई आप जो है वो मेमोरी uh, जो है इस आल्सो ऑफर मोर अबाउट पेइंग अटेंशन देन कॉग्निटिव डेफिसेंट यानी कि जो uh, आपकी जो ब्रेन की जो एबिलिटी है या मेंटल एबिलिटी है उससे ज़्यादा जो है वो आपका अटेंशन पे करना जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप ये मेमोरी है जो है तो वो आपकी वो अटेंशन की वजह से ज़्यादा इफेक्ट होती है अगर आप किसी चीज़ के अटेंशन नहीं दे रहे एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल रहे हैं तो वो चीज़ आपको कभी याद नहीं रहेगी ख़ासतौर पर जो जूँ हम ओल्ड होते जा रहे होते तो कोई अगर आपने नया नाम सुना है या कोई नई चीज़ देखी है अगर आप उसके ऊपर अटेंशन पे करेंगे तो डेफिनेटली फिर आपको वो चीज़ भी याद रहेगी वो नाम भी याद रहेगा आपको इतनी आसानी से नहीं भूलेगा और इसके अलावा ये भी है कि अगर आप मेंटली डिमांडिंग जॉब करते हैं तो द गुड न्यूज़ इज दैट दिस इज़ अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज फॉर योर ब्रेन टू कीप फिट एंड एजायर तो जो भी आप काम कर रहे हैं ऐसा जो आपके मेंटल फंक्शन को स्टिमुलेट करता है इट्स ए गुड थिंग तो अब आ, ये तो मैंने आपको बताया कि ये डिमेंशिया नहीं है लेकिन वेन टू वरी अबाउट योर मेमरी टू फाइंड आउट द साइंस ऑफ मेमरी लॉस प्लीज वॉच माई नेक्स्ट वीडियो थैंक यू